यूपी के सहारनपुर में एड्स जैसी खतरनाक बीमारी बढ़ती जा रही है। भले ही स्वास्थ्य विभाग इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हो, लेकिन इस प्रयासों का कोई असर क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रहा। जिला चिकित्सालय के एआरटी सेंटर के अनुसार 2013 से जिले में अब तक एचआईवी मरीजों की संख्या 1354 तक पहुंच गई है, जिसमें बच्चे सहित पुरुष व महिलाओं की संख्या भी अच्छी खासी है। जिला अस्पताल में नवंबर 2013 में एआरटी सेंटर स्थापित हुआ है, तब से दिसंबर 2017 तक कुल संख्या 1354 है। वहीं सहारनपुर में एचआईवी रोगियों के परिवार में निरंतर इजाफा हो रहा है। वर्ष 2016 में 258 एचआईवी मरीज सामने आए थे, वहीं दिसंबर 2017 में ये आंकड़े पूर्व वर्ष के आंकड़ों को पार कर 309 तक पहुंच गए, यानी 2017 में 51 एएचआई मरीजों का इजाफा हुआ है। इन वर्षों में पुरुष मरीजों की संख्या ज्यादा बढ़ी है, लेकिन महिला और बच्चों की संख्याओं का बढ़ना भी आश्चर्य की बात है। पेश है सहारनपुर के संवाददाता राहुल पटेल की खास रिपोर्ट। 2018 में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के ये फिगर्स हैं कि 20 बच्चे एचआईवी पॉजिटिव पाए गए और 55 महिलाएं पॉजिटिव पाई गई, और इस महीने मतलब 12 दिन के दौरान 9 का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें से 8 मेल हैं और 1 फीमेल है, और उन 9 में से 1 बच्चा है। और ये एआरटी सेंटर हमारा जनवरी 2014 में शुरू हुआ था, तब से अब तक 1360 मरीज रजिस्टर्ड हुए हैं एआरटी में जी, और 1150 के करीब उपचारित हैं जो अंडर ट्रीटमेंट हैं जी। डॉक्टर साहब, जो बच्चे हैं कैसे एकदम मतलब ये बच्चे का एक रूप सा आया कि हाँ 20 बच्चे जो है ये तो पूरे साल के बच्चे हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं, और गर्भवती महिलाओं से ये जो है एचआईवी पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं से बच्चों में ट्रांसमिट हो जाता है। सर, जिस तरीके से भी ये पूरा रिकॉर्ड निकल के आया है और बड़ा हाईलाइट हो रहा है ये मामला, क्या कुछ इस बीच में कैंप वैम्प भी लगाए गए हैं या कुछ आगे की प्रक्रिया है? कैंप वगैरह कुछ नहीं, महिला चिकित्सालय में जितनी भी गर्भवती महिलाएं आती हैं A to Z जी, चाहे हमारी महिला चिकित्सालय में हो चाहे ब्लॉक लेवल पर हो, तो सबका एचआईवी टेस्टिंग कंपलसरी है, सबकी स्क्रीनिंग हो जाती है, सबका रजिस्ट्रेशन फिर यहाँ पर हो जाता है हमारे यहाँ पूरे जिले का, सहारनपुर का और प्लस शामली और हरिद्वार वालों का भी, क्योंकि शामली में आरटी सेंटर नहीं है, हरिद्वार में भी नहीं है, तो वो यहीं पर ही है। पॉजिटिव पेशेंट को सबसे पहले यही प्रेफर करते हैं, ये एडल्ट के लिए है, जो पीडियाट्रिक के लिए है, जो बच्चों के लिए है वो अलग है मेडिसिन। अच्छा, उनकी डोज कम है। तो ये एचआईवी से किस तरीके से मतलब ये वायरल जो वायरल लोड जो होता है, जो एचआईवी का वायरस है, उसे कंट्रोल में रखती है, ना कि उसे पूरा ख़त्म करती है, कंट्रोल में रखती है। क्या नाम है इसमें? 3 साल्ट हैं, टेनोफोविड, लैमोडिन एंड इफोविरिन। ये जो दवाई दी जा रही है, क्या लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं या बाहर से भी उपलब्ध है? नहीं, ये गवर्नमेंट का ही प्रिस्क्रिप्शन है, ये यहीं से मिलेगी। और जितने भी हमारे टोटल एचआईवी सेंटर्स हैं, कितने दिन तक कोर्स है इसका? इसका कोर्स है लाइफ टाइम का, लाइफ टाइम लाइफ टाइम का कोर्स है, जब तक सांस चलेगी।